नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल्स में। सैमसंग की तरफ से M31S वाला मोबाइल जो है लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर क्या कुछ स्पेक्स निकल के आता है और क्या प्राइस पॉइंट पे ये आया है, क्या आपको ये वाला फोन को लेना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। क्या सोच रहे थे ऐसा कुछ बताऊंगा? बिल्कुल नहीं, हम थोड़ा अलग किस्म का। तो चलिए थोड़ा सा तोड़फोड़ मचा के स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे सैमसंग के M31S फोन के बारे में। क्या माल मसाला इस फोन के अंदर दिया गया है कि अपने इंडिया के ज्यादातर आदमी हो या औरत, कोई भी इस फोन की तरफ ऐसे खिंचा चला जा रहा है। लोग ऐसे उतावला सा हुए पड़े हैं कि इस वाले फोन को कब तक खरीद पाएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ऐसे रोज कितने बताए यार। तो चलिए यार वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो खाने की चीज को छोड़ के, मतलब आपके पसंदीदा खाने की चीज को छोड़ के, कोई अननोन चीज हो या फिर हो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या कुछ और, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसका? तो आप लोग सबसे पहले यही देखते होंगे कि चीज जो है वो दिखने में कैसा है, लुक्स कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, उसके बाद कुछ और स्पेसिफिकेशन या कुछ और बाद में। लेकिन सबसे पहले जो चीज के ऊपर आपका नजर जाता है वो है इसका डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग का M31 के स्पेसिफिकेशन शुरू करते हैं हम डिजाइन के साथ। तो यहाँ पर एक तस्वीर हमें इंटरनेट से मिल गई है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको डुअल टोन का एक कलर वेरिएंट मिल रहा है, अलग अलग प्लास्टिक का कपड़े पहना के बार बार वही सेम वाले फोन को सेम पैटर्न के साथ भेज देता है सैमसंग और हम भी ऐसे लपक से लेते हैं। वैसे दोस्तों इसका डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं, आप देखिए सैमसंग के दूसरे फोन के साथ इसका डिजाइन बहुत ज्यादा सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर डुअल टोन दे दिया है और बस। यहाँ पर ग्लास्टिक ग्लास्टिक करके चिल्ला रहा है लेकिन है चीज यहाँ पर प्लास्टिक की। डिजाइन के बाद ही आ जाता है इसका डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो फीचर है ये इसका हाइलाइटिंग फीचर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। साथ में यहाँ पर बीच में छेद देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का ऐसे कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। मैं ना एकदम साथ में इसे खत्म कर दूंगा आज का, बिल्कुल ऐसे ज्यादा घुमा फिरा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी जहां पे जो मिलेगा उसके स्पेसिफिकेशन वही बता के एकदम खेल खत्म कर देंगे, ठीक है? तो छेद के अंदर आपको कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। अच्छा, जो स्क्रीन है वो फुल HD प्लस रहेगा। गोरिल्लास जो है वो आज 5 नहीं मिले, 3 मिला तो 3 ही चूज दिए। तो गोरिल्ला ग्लास 3 का ग्लास प्रोटेक्शन रहेगा आपको सामने की तरफ, पीछे की तरफ नहीं भाई। लेकिन स्क्रीन जो है वो नॉर्मल 60Hz का है, कोई हाई रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि सुपर एमोलेड अपना पसंदीदा डिस्प्ले जो यहाँ पर दे दिया है सैमसंग ने। अच्छा, रैम एंड स्टोरेज में भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर 6128GB से यहाँ पर इसका वेरिएंट स्टार्ट होता है और खत्म होता है यहाँ पर 8128GB में। और खुशी वाली बात जो है दोस्तों, यहाँ पर आप SD कार्ड भी खींच सकते हैं, तो उसके जरिए से आप इतना उसका स्टोरेज वगैरह और बढ़ा सकते हैं। वैसे 128GB पहले से ही बहुत है, और बढ़ाएंगे, कंप्यूटर थोड़ी बनाना है अपने फोन को। अच्छा, यहाँ पर आपको UFS 2.1 का भी सपोर्ट मिलेगा और LPDDR4X का RAM टाइप मिलेगा। तो कुछ भी नहीं, कैमरा की बात क्या ही करें दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है, हालांकि कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सेम ही रखा गया है, लेकिन कैमरा में थोड़ा सा नया चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आपको। 64 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा रहेगा और इसका प्राइमरी कैमरा के अंदर जो सेंसर है, मतलब हम ऐसे कैमरा के अंदर घुस के देखते हैं, तो सेंसर जो है वो सोनी की तरफ से IMX682 का बहुत ही तगड़ा एक सेंसर है जो कि आपको ऐसे बहुत ही कमाल का फोटोज वगैरह खींच के देगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का बहुत सारा दोस्त वाला कैमरा, यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तीसरा और चौथा कैमरा यहाँ पर वापस से जुड़वा भाई को बैठवा दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल को थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे 5 मेगापिक्सल कर दिया है। कौन सा सेंसर? अरे वही मैक्रो और डेप्थ, बस 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ। अच्छा, आप ना यहाँ पर मैक्सिमम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो है 4K तक, 30 FPS में आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर सिंगल टेक नाम का एक फीचर इनबिल्ट आपके फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सैमसंग के सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन के अंदर होता है, तो वो वाला फीचर भी आपको फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा रहेगा, नहीं बताएंगे, एक बार बता तो दिया, वापस से कितने बार अपना टाइम वेस्ट करवाओगे? हाँ, अच्छा, एंड्रॉइड 10 तो आपको वैसे ही दिया जा रहा है दहेज में, और साथ में रहेगा One UI 2 का सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर One UI मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, One UI और OxygenOS, इन दोनों मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे पसंद है, मतलब यहाँ पर ना आपको फालतू की कोई भी एड्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ऐसे दिल को खुश कर देता है। अच्छा, सेंसर्स
हर एक तरीके का सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर, दोस्तों यहां पर मुझे लगा था, सिर्फ मुझे ही नहीं बहुत सारे यूट्यूबर को ऐसे लगा था कि ये जो सैमसंग का M31S है यहां पर आपको इन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहां पर सुपर एमोलेड रह रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों एक चीज बताओ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर एक्चुअली ये मेरा फोन का कवर है, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यही राइट साइड में रहता है। तो मान लीजिए आप अपने राइट हैंडेड के ये वाला फिंगर को आप यहां पर रजिस्टर करते हैं और बाद में कभी आप अपने इस हाथ से कुछ कर रहे थे, गंदा है आपका ये वाला हाथ, और आपको कोई फोन आता है या कुछ भी होता है जिसमें आपको ऐसे अपने फोन को अनलॉक करना पड़ता है, तो आपको ऐसे अलग से लेके यहां पे अनलॉक करके वापस ऐसे उछाल, जो भी दोस्तों यहां पर आपको फोन टूटने का भी खतरा रह सकता है, अपने ही फेस से अनलॉक करने का फीचर भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलेगा। वायर्ड हेडफोन घुसाने में जो मजा है ना भाई, वो दूसरे किसी भी चीज में नहीं है। अच्छा, साथ में यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा इनहेंस करके दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से साउंड सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। बैटरी की बात क्या ही करें दोस्तों, यहाँ पर बैटरी नहीं जनरेटर दिया है पूरा 6000 mAh का बैटरी। एक्चुअली ये बैटरी नहीं पावर बैंक भी आप इस फोन को कह सकते हैं क्योंकि इस फोन के साथ दूसरे फोन का मतलब रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और सैमसंग का ऐसा कहना कि ये जो फोन है 97 मिनट्स के अंदर अंदर 0 to 100% ऐसे जनरेटर जो है चार्ज हो जाएगा। अच्छा, टाइप सी पोर्ट भी रहेगा इस फोन के अंदर। तो ये थी पूरा पैकेज क्या, हाँ क्या, अच्छा प्रोसेसर मिस कर दिया मैंने, वैसे प्रोसेसर बताऊंगा तो आपका दिल थोड़ा सा से दिक्कत में पड़ जाएगा। यहां पर आपको वही पुराना घिसा पिटा सा एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे भी क्योंकि इतना अच्छा एक फोन के अंदर वही मतलब M21 में भी वही, M30 में भी वही, M31 में और M31S में भी वही, मतलब 12-13 हजार से शुरू करके 20 हजार तक एक ही प्रोसेसर, वाह। अभी प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहां पर इसका जो बेस वेरिएंट है वो यहां पर आपको 19,500 में देखने के लिए मिल रहा है और इसका जो अपर वेरिएंट है 8128 GB वो आपको ऐसे 21,500 मतलब 22,000 से 500 रुपये आप ऐसे एक्चुअली 501 रुपये आप अपने जेब में ऐसे रख के बाकी पैसा आप उनको दे सकते हैं, फिर वो आपको ऐसे अपना फोन जो है वो आपको दे देगा। फालतू का जोक्स दोस्तों, ये तो गया पूरा का पूरा स्पेक्स। अभी बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर पहला जो कॉन्स है वो है इसका डिजाइन, मतलब जहां पर हमको ऐसे 16-17 हजार के अंदर ही ग्लास बैक देखने के लिए मिल जाता है, वहां पर 20,000 के फोन के अंदर भी हमको प्लास्टिक देखने के लिए मिला है, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है बहुत से लोगों के लिए। दूसरी जो चीज मेरे दिल को ऐसे छलनी करके चली गई वो है इसका प्रोसेसर, मैंने अभी भी बताया आपको एक्सिनोस का 9611। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये 12-13 हजार के फोन के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन 20,000 के फोन के अंदर भी वही पुराना चिपसेट देखने के लिए अगर मिलता है तो वो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट के साथ जस्टिफाई करता है बिल्कुल भी। बाकी डे टू डे लाइफ के काम हो तो आप इस फोन को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे थोड़ा सा हेवी यूजर है, गेमिंग वगैरह अपने फोन पे ज्यादा करते हैं तो फिर ये वाला फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको पबजी के अंदर HDR का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको खेल नहीं सकते क्योंकि फ्रेम ड्रॉप्स कुछ ज्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर तीसरा जो चीज है ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कॉन्स के अंदर आ जाता है, लेकिन आपके हिसाब से शायद नहीं भी आ सकता है, तो ये मुझे आप कॉमेंट्स में जरूर बताना कि ये आपको कॉन्स के रूप में लगता है या नहीं। तीसरे जो चीज की हम बात कर रहे हैं वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बाकी यहाँ पर अगर प्रोस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे बड़ा सा डिस्प्ले चाहिए सुपर एमोलेड पैनल के साथ, साथ ही में अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए मतलब 128 GB स्टोरेज बहुत होता है भाई, साथ में यहाँ पर SD कार्ड का भी स्लॉट मिल रहा है तो फिर आप ये फोन को ले सकते हैं। साथ में अगर आपको बड़ा सा बैटरी चाहिए, सैमसंग का ब्रांड वैल्यू चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा सेटअप भी चाहिए और एड्स फ्री एकदम एक UI चाहिए, क्लीन UI चाहिए, वो आप इस फोन को देख सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का पूरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट्स करके बताना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स से ऐसे भर दो और यहां पर मैं मिलता हूं आपसे दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा जो है लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा।